झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण से निजात पाने के लिए रघुवर सरकार ने सुपोषण माह कार्यक्रम पर जोर दिया है। इसी के तहत दुमका में कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने सुपोषण माह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान लुईस ने 6 महीने के नवजात शिशुओं को पौष्टिक अन्न खिलाकर अन्नप्राशन की रस्म अदा की। साथ ही कई नववधुओं की गोद भराई की रस्म की अदायगी भी लुईस मरांडी ने की। मरांडी ने कहा कि सरकार कुपोषण से निजात पाने के लिए हर नामुमकिन कोशिश कर रही है। आज भी ग्रसित है कुपोषण से और दुमका जिला ज्यादातर प्रभावित है। हम सभी लोग दुमका जिला के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे हाथ में पूरे राज्य का जिम्मेदारी है। 1 तारीख को रांची में एक कार्यशाला आयोजन किया गया था, जिसमें सभी CDPOs को बुलाया गया था। आप लोगों को ध्यान में होगा, पिछले वर्षों तक हम लोग पोषण सप्ताह मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार इस बात से समझा जा सकता है इसकी गंभीरता को कि कुपोषण कितना बड़ा बीमारी है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश, माननीय विभागीय केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी के निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का निर्देश के अनुसार आज इस साल पूरे माह पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। सरकार भले कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण माह मनाए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि झारखंड में लाखों बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं और इन योजनाओं की पहुंच से अभी भी कोसों दूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट।